राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। श्री बालाजी डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर 3D एंड 2D इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइन विद वास्तु लेआउट वर्क भवन निर्माण से संबंधित सभी प्रकार के कार्य एवं प्रॉपर्टी जमीन प्लाट मकान खरीदने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। नगर निगम एवं नगर पालिका से नक्शा पास कराया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर अमन रैकवार 9392913695, इंजीनियर रोहित रैकवार 8773537316। सागर में लंबे विराम के बाद एक बार फिर माफिया अभियान के तहत प्रशासन ने मोर्चा संभाल सास की जमीन पर काबिज अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां मकरोनिया के गंभीरिया एवं गोपालगंज थाना क्षेत्र के पोददार कॉलोनी में सास की भूमि पर काबिज अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन का अमला एक बार फिर मोर्चा संभाल सक्रिय दिखा, जहां सास की जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमणकारियों द्वारा किए गए निर्माण को ध्वस्त करने प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की और निगम प्रशासन राजस्व पुलिस टीम के साथ मिलकर भूमाफियों के कब्जे वाली सास की जमीन पर काबिज अतिक्रमण को सख्ती से JCB की सहायता से हटा सास की जमीन को मुक्त कराया। इस दौरान जहां गंभीरिया में स्टेडियम के लिए आरक्षित जगह वाली 15 एकड़ भूमि और उसके आसपास के नाले की जमीन पर लकड़ी के सहारे मेड़ बनाकर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर स्टेडियम की जमीन को अतिक्रमणकारियों के चंगुल से मुक्त कराया गया, जहां कार्रवाई के दौरान सत्ताधारी दल से जुड़े छुटभैया नेता ने कार्रवाई में व्यवधान डालने का पूरा प्रयास किया और कभी विधायक तो कभी मंत्री को मौके पर फोन लगाकर प्रशासन को चमकाने की कोशिश की, पर उनकी SDM के आगे एक भी नहीं चली और उन्होंने सख्ती से अतिक्रमण को हटवा दिया। तो वहीं गोपालगंज के पोददार कॉलोनी स्थित शासकीय नाले पर कुछ लोगों द्वारा बनाए गए पक्के निर्माण को भी प्रशासन की टीम ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया। इस दौरान कार्रवाई करने पहुंची टीम को अतिक्रमणकारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। कुछ समय के लिए एक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति भी बनी, पर प्रशासन के मंसूबे के आगे अतिक्रमणकारी की एक भी नहीं चली और उनके हौसले को पस्त कर प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। एक अंतराल बाद फिर शुरू हुई कार्रवाई की भनक से शहर में अवैध अतिक्रमण की धड़कन फिर बढ़ गई है, जहां वह मामले में प्रशासन की कार्रवाई की जद में नहीं आ जाएं कार्रवाई करने निकली टीम की पल पल की जानकारी लेते दिखे। SDM के मुताबिक आगे भी कार्रवाई का दौर जारी रहेगा, जहां चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। गंभीरिया में जो है आज शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो है नगर पालिका मकरोनिया को स्टेडियम के लिए ज़मीन अलॉट की गई है, तो जिसमें हमारे जो यहाँ पे सागर दो के पटवारी और नायब तहसीलदार के द्वारा पूर्व में ये प्रकरण चला है और बेगति आगे हो चुका है। यहाँ पर कम से कम इनके द्वारा 4 एकड़ मंदिर के पीछे ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया, उसके अलावा 15 एकड़ भूमि पर नाली बना दी गई। तो आज उसी अतिक्रमण को हमने हटा के यहाँ पे मुक्त करवाया गया है और ये ज़मीन हमने नगर पालिका मकरोनिया को सौंप दी गई। सर, कौन लोग कब्जा किए थे, ये लोग कौन थे? यहाँ पर बेदखली आदेश में जो सीताराम अहिरवार है उनके खिलाफ यहाँ बेदखली आदेश नायब तहसीलदार की कोर्ट के द्वारा किया गया है, उन्हीं का जो है आज अवैध कब्जा हटाया गया है।